नमस्ते बच्चों, कैसे हो बच्चों? मैं आपकी हिंदी फर्दर मिस बोल रही हूँ बच्चों। अच्छा हर रोज आप लोग हर वीक में आपको क्लास ले रहे हैं, आप मैं नौवीं कक्षा लेने वाली हूँ, आपको जानते हो बच्चों। अच्छा पिछले पार्ट में आपने क्या देखा बच्चों बताओ? हाँ प्रदूषण। प्रदूषण मीन्स क्या है? पोल्यूशन, मैंने बताया था आपको। अच्छा बच्चों प्रदूषण, ये देखो मैंने आपको ये क्लिपिंग बताया था ना प्रदूषण में, हाँ धुआं से आने वाला, ये देखो फैक्ट्री से धुआं आने वाले को ये हवा में मिलता है, इसे हम प्रदूषण बोलते हैं, याद में है ना बच्चों? हाँ उसी प्रकार ये देखो पानी में कितना गंदगी को मिलने से, पानी कितना गंदा होता है, उसे कितना डिजीज आता है, आप लोग सब जानते हैं। दुबले पतले छोटे छोटे बच्चे कितने इफेक्ट होते हैं, ये हम सीधे भी देखते हैं, हम टीवी में न्यूज में सब ज्यादा बताते हैं पानी से हमें कितना, क्योंकि पानी की वजह से मनुष्य जी नहीं सकता, पानी इतना गंदा हो गया तो क्या बनेगा। उसी प्रकार ये देखो धुआं से आने वाला, फैक्ट्री से कारखानों से आने वाला धुआं कैसा होता, हवा वायु, वायु में जाकर कितने पोल्यूशन को उस वातावरण को पूरा डिजीज के रूप में बना देता। और यहाँ पे देखो आवाज की वजह से कितने ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट पेशेंट, ये लोगों को कितना तकलीफ होता है, देखो कितना क्राउडेड है, इस क्राउडेड में ऐसे पेशेंट वाले हैं तो उनका हाल क्या होएगा किसी को भी पता नहीं बच्चों। सो हम लोग जहां भी ये पोल्यूशन से उसे ठीक करने के लिए मनुष्य के रूप मनुष्य ज्यादा काम करता, साइंस कितना भी वैज्ञानिक भी आया था पोल्यूशन में और उस वैज्ञानिक से कितना डिस्ट्रॉय भी हो रहा, आप ये सब जानते हो। पिछले पार्ट में मैंने आपको क्लियर से बताया पोल्यूशन के बारे में, आप लोग पढ़ा होगा मैं सोचती हूँ बच्चों। ये क्लिपिंग आपको याद में रहेगा, ध्यान से रखे, ये प्रीवियस लेसन का है बच्चों। अच्छा ठीक है बच्चों, अब नए पार्ट में आप लोगों को ये व्याकरण मैंने आप लोगों को चलाया भी होगा। संज्ञा माने क्या है? नाउन। संज्ञा माने क्या है? नाउन। आप लोग समझेंगे ना? हाँ नाउन का मतलब क्या है बच्चों बताओ? नाउन का मतलब क्या है? किसी पर्सन, जाति, कॉमन से बोलना, फीलिंग से बोलना और लिविंग थिंग से बोलना, ये सब हम नाउन बोलते हैं। मैं आपको एक क्लिपिंग बता दूं, देखिए बच्चों ये देखिए, हाँ इसमें दिया देखो संज्ञा माने क्या है, संज्ञा के कितने टाइप्स है, इसमें अलग अलग दिया लेकिन ये दो पांच पॉइंट है मैंने यहाँ पे लिखा वो सही है बच्चों। देखो आपको समझ में आ रहा ना, इसमें दिया देखो, ये देखिए बच्चों संज्ञा का मतलब वो शब्द जिसमें किसी भी प्राणी इज अ लिविंग थिंग्स और व्यक्ति इज अ पर्सन, स्थान इज अ प्लेस, वस्तु इज अ थिंग्स, मेटीरियल को बोला जाता है, लिविंग थिंग्स अलग है मेटीरियल अलग है, वस्तु के नाम का हम दर्शाते हैं मीन्स दिखाना है उसी को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा। इसे अंग्रेजी में नाउन बोलते हैं, नाउन। हाँ आप लोगों को मैंने पिछले साल पढ़वाया वो शॉर्ट से, अब मैं पूरा डिराइव करके आपको परिभाषा मैंने वहां पे भी लिखा है डेफिनेशन। अच्छा बच्चों ये है नाउन, देखो उदाहरण राजू, डॉग, पेन, लव, दिल्ली, ये सब नाम में आता है। ये देखो इसमें अंग्रेजी में भी आपको दिया, देखो ये वर्ड दैट इंडिकेट्स द नेम ऑफ एनी पर्सनल क्रिएचर, प्लेस और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ये नाउन। उदाहरण राजू, डॉग, पेन, लव, दिल्ली, ये देखो ये आके टाइप्स है, इसमें अलग अलग दिया, व्यक्ति वाचक प्रॉपर नाउन, जाति वाचक कॉमन नाउन, समूह वाचक कलेक्टिव नाउन, पदार्थवाचक मेटीरियल नाउन, भाववाचक अब्स्ट्रैक्ट नाउन, संख्यावाचक नंबर नाउन, लिंगवाचक जेंडर नाउन, इतना दिया है लेकिन हम लोग पांच के रूप में पढ़ने वाले हैं, सिर्फ फाइव। अच्छा फाइव, ये देखो किसी व्यक्ति, जाति, भाव या प्राणी का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। इसका एग्जाम्पल मैंने नाम के रूप में आपको दिया है, गाँव आएगा सो नाम में आएगा, ये सब है। ये देखो पांच प्रकार, देखो इस पांच प्रकार को देखो, फर्स्ट व्यक्ति वाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन, ये देखो आपके किताब में संज्ञा कहाँ पे है मैं आपको बताऊंगी, एक मिनट, ये देखिए ये आपका किताब है, ये देखिए बच्चों संज्ञा में दिया है और सोच लीजिए
ये देखिए बच्चों, हाँ आप ध्यान से देखिए, ये देखिए नाउन में कितने रूप्स दिए हैं। मैंने पांच दिया है, इसमें आप लोगों को तीन ही दिया, मैं एक्स्ट्रा दो मैंने आपको दिया। सारा पढ़ो अच्छी तरह से, देखो किताब देखकर पढ़ो और जो असाइनमेंट दिया उसे याद में लिखो। समझ में आया ना बच्चों, संज्ञा माने क्या है, उसके पांच टाइप्स है। आप मैं बताऊंगी आप क्या क्या टाइप्स आ रहा है और किस कैसे उदाहरण है उसके, उसके एग्जाम्पल सब आपको मैं बताऊंगी बच्चों, याद में रखो, याद में रखो बच्चों, ठीक है ना बच्चों। नाउन्स देख लो वो कैसे क्लिपिंग में, देखो वीडियो कॉल ले रहे हैं, देखो वो कैसे ले रहे हैं, देख लो उसमें क्या क्या अदर वर्ड्स है, ठीक है। अब पहला वाला आप देखिए भी, अच्छा बच्चों यहाँ पे देखो पहला वाला व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब क्या है, जो किसी पर्सन के नाम, गांव के नाम आने वाला। यहाँ पे देखो मैं एक छोटा सा पिक्चर बिताऊंगी, देखो ये देखो बच्चों, ये देखो इसे हम प्रॉपर नाउन अंग्रेजी में बोलते हैं। इसमें क्या दिया देखो, हाँ ये एक नाम दिया है, जॉर्ज वॉशिंगटन दिया नाम में, और खाने का पार्क का नाम दिया देखो, लिंकन लिंकन पार्क, और चिप्स, ये देखो प्रॉपर नाउन में इज ए सर्टेन पर्सन प्लेस और थिंग्स, ये तीन भी आए अच्छी तरह देखो। व्यक्तिवाचक यही है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखो जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में क्या आएगा देखो, ये पर्सन प्लेस और ऑब्जेक्ट, इसमें हम व्यक्ति जगह और थिंग्स वस्तु को बोलते हैं हिंदी में वैसा बोलते। ये देखो पहला वाला पर्सन, यानी पर्सन का मतलब व्यक्ति को, पर्सन को बोला जाता है। पहले पर्सन कौन आया देखो, गर्ल, गर्ल कौन है, लड़की, लड़की को कॉमन से बोला जाता है। उसके बाद देखो बीच, बीच भी कॉमन है, दरिया सागर, हाँ वो प्लेस को जगह को बोलते हैं। और ऑब्जेक्ट पेंसिल कलम, पेन को बोला जाता है, ये सब थिंग्स में आता है। कलम फूल, ये सब थिंग्स में आता है, इसी को हम कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। समझ में आया बच्चों, पहला प्रॉपर नाउन क्या बताया था, ये एक नाम आएगा, पार्क नाम भी आएगा, वो प्लेस में आएगा। देखो ये दोनों नीचे है देखो, हा कॉमन नाउन में कैसे आ रहा देखो बच्चों, इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा। जाति में एक लड़की आ रही है और एक बीच सागर का जगह आ रहा है और एक कलम पेंसिल कोई थिंग्स आ रहा है, इसी को कॉमन नाउन बोलते हैं, है ना बच्चों। हाँ अब ये दोनों आपको समझ में आया होगा, समझ में आ रहा है ना, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आके देखेंगे कि भाववाचक अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यहां पे है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, देखिए ना बच्चों अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन हमें क्या बोलता है, ये देखो ये है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, विजडम हैंगर ब्रेवरी बॉस धैर्य रहना, मिटास, मिटास इज ए थर्स्टी, बचपन इज ए चाइल्ड हुड, ये देखो ये सब अब्स्ट्रैक्ट नाउन फीलिंग से आ रहा वाला, गुस्सा आना रोना हंसना ये सब हमें फीलिंग से आएगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। याद में रख लो बच्चों, पहले प्रॉपर नाउन, मैंने हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा बोला है उसमें कैसे कैसे नाम पे आ रहा है वो बोला है, और दूसरा वाला देखो जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन, और इसमें क्या क्या आएगा, कॉमन से आएगा लड़की सागर पेंसिल कलम जो भी, और तीसरा वाला आके भाववाचक संज्ञा अब्स्ट्रैक्ट से फीलिंग से बोलना है, ब्रेवरी विजडम हैंगरी गुस्सा रोना हंसना मिठास बचपन कोई भी चालाक, ये सब आपको अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। द्रव्यवाचक संज्ञा अब देखेंगे, द्रव्यवाचक में क्या आ रहा है, मेटीरियल नाउन, ये देखिए मेटीरियल क्या क्या है, यहाँ पे देखिए राइस के लिए क्या बोलते हैं चावल, शुगर के लिए क्या बोलते हैं हिंदी में शक्कर, वाटर के लिए क्या बोलते हैं पानी,
मिल्क के लिए क्या बोलते हैं? दूध। इस बारे से सोना, चांदी, हाँ सिल्वर, गोल्ड, तेल, ऑयल, वीट, गेहूं, ये सब मटेरियल लोन में आता है। अच्छा सा देखो बच्चों, हाँ मटेरियल लोन में क्या आ रहा है देखो, इसमें अंग्रेजी में भी देखिए, मटेरियल नाउन इज ए नेम ऑफ ए सब्सटेंस एज ए होल, है ना बच्चों? हाँ इसमें क्या क्या आ रहा है देखो, चावल, शक्कर, पानी, दूध, समझ में आ रहा ना बच्चों? पहला वाला और एक बार मैं सिखाती हूं, ये देखो प्रॉपर नाउन में क्या क्या आया था, क्या क्या आया था? जॉर्ज वॉशिंगटन नेम में आ गया, पर्सन में, जगह में आ गया, पार्क और चिप्स खाने में भी थिंग्स में आ गया, और कॉमन नाउन में देखो कॉमन से लड़की आ गई, सागर आ गया, अस्पताल है, ये सब कॉमन है, रेलवे स्टेशन कॉमन है, ये सब कॉमन है, इसे हम हिंदी में जातिवाचक बोलते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन में देखो विजडम, हैंग्री, ब्रेवरी, धैर्य, वीरता, गुस्सा, हंसना, रोना, मिठास, चालक, ये सब हमें भाववाचक में आता है। अब द्रव्य वाचक में देखो, मेटीरियल नाउन में देखो कितना अच्छा सा, चावल, शक्कर और वाटर, मिल्क, दूध, पानी, ये सब आ रहा है। और लास्ट वन देखो बच्चों, समूहवाचक संज्ञा यानी कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में क्या क्या करते हैं हम लोग, क्या क्या करते हैं कलेक्टिव नाउन में? सारे को हम ग्रुप से, झुंड से, इस प्रकार को हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। ये यहाँ पे देखो, ये कौन कौन है देखो कलेक्टिव नाउन में, हाँ सोल्जर्स है, देखो देखो, वन गॉड दैट नेम्स ए ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड थिंग्स। एनिमल्स देखो कितने ग्रुप से है, ये टीम ऑफ डक्स, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, हाँ सेनास है, और यहाँ पे आके बंचेस ऑफ कीज, सभी ग्रुप में रहने वाले को। और ये एक मीटिंग में जाएंगे तो वो झुंड से ग्रुप में पीपल बैठे होंगे, ये एक फंक्शन में जाएंगे तो फेस्टिवल में सब पीपल्स, ये 100 लोग रखते हैं उनके लिए, वो इतने 50-100 लोग के लिए सब आदमियां झुंड रखे, ग्रुप रहने को कलेक्टिव नाउन बोला जाता। आप लोगों को संज्ञा बहुत अच्छा समझ में आया होगा, मैंने इतना क्लिपिंग बसाया, ध्यान है घर में पढ़िए, मैंने किताब भी आपको क्लिपिंग भेजा है, उसमें असाइनमेंट्स देखिए। और एक बार मैं बोल देती हूँ, प्रॉपर नाउन क्या है? नाम, प्लेस, थिंग्स में आएगा, नेम पूरा आएगा, कॉमन नाउन में ये पर्सन, प्लेस और ऑब्जेक्ट में आएगा, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन में यानी भाववाचक संज्ञा में विजडम, हैंग्री, ब्रेवरी आएगा, और मटेरियल नाउन में यहाँ पे देखिए राइस, शुगर, वाटर, मिल्क, ये आ जाएगा, और कलेक्टिव नाउन में बंचेस ऑफ कीज, बंचेस ऑफ डक्स, ग्रुप्स, टीम्स ऑफ डक्स या एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, ये सब आ जाएगा। सो इतना क्लिपिंग्स मैंने, मतलब किताब भी मैंने आपको बता दिया, ये देखिए किताब एक बार और एक बार देख लीजिए बच्चों, ये किताब से आपको पढ़ना पड़ेगा और ध्यान से पढ़िए बच्चों, देख लीजिए बच्चों कैसे आ रहा है क्लिपिंग्स में, और वीडियो कॉल को अच्छा ध्यान से, छोटा छोटा लेटर्स है उसे दिमाग अच्छी तरह से देखकर उसे लिखिए, आंसर्स को अच्छा सा देखेंगे तो उसे आ जाएगा। सो ध्यान से देखकर ध्यान से लिखना है असाइनमेंट, इसके लिए बार बार दिखा रही हूं किताब को, समझ में आना बच्चों आपको नाउन कैसे समझ में आ रहा ना, मैं एक बार ये पढ़ के दिखा दूंगी और एक बार मैं बोल के भी दूंगी ये क्या है, ठीक है ना बच्चों? ये एक बार देख लो, परिभाषा, डेफिनेशन, संज्ञा, नाउन, आप जब व्याकरण तो जानते हो, किसी व्यक्ति, जाति, भाव या प्राणी का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं, उदाहरण राम, दिल्ली, झंडा आदि। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में हमने क्या क्या देखा था? नाम देखा था, जगह देखा था और वस्तु देखा था, 3 भी देखा था हम लोगों ने। जातिवाचक संज्ञा में क्या देखा था? कॉमन नाउन में उसी प्रकार नाम देखा था, जगह देखा था और भी वस्तु देखा था, लेकिन कॉमन से आएगा, जैसे अस्पताल, लड़की और सागर, ये सब कॉमन से, रेलगाड़ी, रेलवे स्टेशन, ये सब कॉमन से आने, बस स्टैंड, ये सब कॉमन में आने वाला है। अच्छा बच्चों, भाववाचक संज्ञा अब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या आएगा? चाइल्डहुड, बचपन, मिठास, थर्स्टी
और ब्रेवरी, हम लोगों ने विजडम, गुस्सा, हंस, ये सब हमने भाववाचक अब्स्ट्रैक्ट नाउन में देखा। और द्रव्यवाचक इज मटेरियल नाउन, शक्कर, चावल, दूध, तेल, सोना, चांदी, ये सब मटेरियल नाउन में आ जाएगा। और समूहवाचक संज्ञा यानी कलेक्टिव नाउन, सोल्जर्स, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, ग्रुप ऑफ टीम्स ऑफ डक्स हमने देखा था, बंच ऑफ कीज देखा, बंच ऑफ फ्लावर्स, ये सब बंच ग्रुप में आने वाले को समूह यानी कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। अच्छा, आप लोगों को नाउन अच्छी तरह से मैंने सारा क्लिपिंग किताब में भी दिखाया, ध्यान से पढ़ो बच्चों, धन्यवाद।